अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुबशिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं किचन विद मुबशिर। आज हम अपने चैनल में बना रहे हैं पापड़ी वाली चना चाट। ये बनाना नहायत ही आसान है, बहुत ही कम मसाला जात में ये बनाई जाती है और चीज़ें भी इसमें नॉर्मली डलती हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डलती। आइए आप आपको बताते हैं कि ये बनेगी कैसे। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जो है फेसबुक का, उसको लाइक करें और शेयर करें। पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दर्ज झेल है, नोट डाउन कर लीजिए। चने हमने ले लिए आधा किलो और उनको बॉयल कर लिया और गला लिया अच्छी तरह से, और सब्ज़ मिर्ची हमने ले ली 3 अदद और उनको हमने छोटा छोटा बारीक काट लिया। चाट मसाला हमने ले लिया, कोई सा भी आप चाट मसाला ले सकते हैं। नमक हम ले लेंगे हसबे जायका। प्याज हमने ले लिए हैं 3 से 4 अदद छोटे साइज़ के, और इनको हमने काट लिए बारीक बारीक और नमक लगा के धो लिए इनको। पापड़ी हमने ले ली है 3 से 4 अदद। पापड़ी ये हमने घर पर ही बनाई है, आपको हम पापड़ी बनाने का तरीका बताएंगे नेक्स्ट रेसिपी में। और दही हमने ले लिए तकरीबन आधा किलो, और साथ हमने ले लिए आलू 7 से 8 अदद आलू है हमने मीडियम साइज़ के, उनको बॉयल कर लिया और छोटे छोटे पीसेस में हमने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए। आइए अब आपको बताते हैं कि ये रेसिपी बनेगी कैसे। सबसे पहले हम आलू इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर प्याज हम ऐड कर लेंगे सारे। नमक हम डाल लेंगे ऐसे बेजाय का। सब्ज मिर्ची हम डाल लेंगे कटी हुई, और साथ हम इसके चाट मसाला ऐड कर लेंगे। चाट मसाला भी हम हसबे जायका ही इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये चाट में अब हम दही ऐड कर लेंगे। पापड़ी हम तोड़ के अंदर इसके अंदर मिक्स कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। पापड़ी को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। पापड़ी को हमने इसके ऊपर डाल दिए चाट के, और अब हम इसको इसी तरह ही डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनी है, और आप भी अपने घर में रेसिपी ये बनाएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।